हाथी का इतना बड़ा फोटो लगा दिया है, देखिए आदमी हाथी से डरे ना डरे ये फोटो देख के जरूर डर जाएगा यहाँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू ईस्टर्न यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। आज कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये सब जानने के लिए आपको ब्लॉग आखिरी तक देखना पड़ेगा ना मेरी जान। हाँ मेरी जान, हाँ मेरी जान। सो ये 40-50 किलोमीटर कवर कर लिए हैं शायद, तो आगे मेन रोड देखिए। सो 40-50 किलोमीटर कवर कर लिए और इतना जोर से नींद आ रही है यार मुझे, बाइक चलाते चलाते नींद। ये देखिए वो भैया की बाइक लाए हैं, क्योंकि मेरी सुंदरी को वहीं छोड़ दिए हैं। तो इतनी जोर से नींद आ रही थी, अभी एक ऑटो हमसे ठुकते ठुकते बच गई। ये लड़की डर गई थी, मैं भी एकदम सडन ब्रेक मार दिया, थोड़ा थोड़ा नहीं गिरे यार, और थोड़ा सा बच गया था वो ऑटो को, थोड़ा थोड़ा नहीं ठोक दिया हम। तो यहाँ थोड़ा मुंह हाथ थोड़ा धो लेंगे, उसके बाद यहाँ से आगे निकलेंगे। थोड़ा ये छांव है, ये महुआ का पेड़ है, तो इसके नीचे हम लोग अभी रुके हैं। थोड़ा मुंह हाथ धो लूंगा, उसके बाद जाके आगे चलाऊंगा, नहीं तो थोड़ा डेंजरस है, ऐसे में चला बाइक वगैरह चलाना अच्छा नहीं है। उसके बाद थोड़ा पानी वानी भी पी लेंगे एकदम। अभी तक मेरा दिल धक धक कर रहा है, इतना जोर से डर लग गया, ऐसे जिंदगी में कभी नहीं हुआ था। ऐसे सोता कभी कभी ऐसी नींद लगती है, लेकिन ऐसे गाड़ी मेरे सामने कभी नहीं आई थी। तो ठीक है, ये पानी वानी पी लेते हैं, उसके बाद आगे निकलेंगे। यहाँ से कहाँ जाएंगे वो बताएंगे नहीं, क्योंकि आप लोगों को बता देने से ब्लॉग अधूरे में छोड़ के चले जाते हैं। आज पूरा सस्पेंस रखेंगे, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं। वो मैं मुंह धो लिया हूँ, ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही है, ऐसे ट्रक वगैरह देखिए, तो इसलिए थोड़ा डर लग रहा था। अभी थोड़ा टहल लूंगा, उसके बाद जाके आगे जाएंगे, क्योंकि ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही है यार, कभी भी कुछ भी हो सकता है। नींद थोड़ा छूट जाए, उसके बाद जाके आगे निकलेंगे। इधर का व्यू देखिए, वो पहाड़ कितना मस्त लग रहा है। वो पहाड़ के एक एक जगह पर छांव लग रहा है, एक एक जगह धूप लग रहा है, वो अजीब है वो। इधर देखिए आगे और भी बहुत अच्छे अच्छे व्यूज मिलेंगे, तो उसके लिए आपको ब्लॉग में रहना पड़ेगा अंत तक। तो ठीक है, अभी यहाँ से आगे निकलेंगे, थोड़ा हो गया है, नींद अभी खुल गई है, तो आगे जाएंगे। इधर का व्यू देखिए दोस्तों, ये कहीं भी देखेंगे एकदम खेत ही खेत नजर आएगी आप लोगों को। वो देखिए, जहां तक आपकी आंखें जाएगी वहां तक सिर्फ खेत ही खेत नजर आएंगे, कुछ नहीं है, और एकदम मस्त जगह है ये। और यहाँ के रोड वगैरह भी देखेंगे कैसे, मतलब वही वही पे टर्निंग आ रहा है अभी। ये जगह मस्त लगता है, मैं साल में एक बार जरूर आता हूँ इधर। ये लोकेशन इधर मेरे लेफ्ट साइड, पहले इतने सारे गाड़ियां इधर नहीं आते थे यार, इस रोड में आने बहुत सारे गाड़ियां आ रहे हैं। ये रोड एकदम खाली खाली होता था पहले। ये कुछ कॉलेज गर्ल्स जा रहे हैं। सामने पेट्रोल पंप भी दिखेगा, अभी पहले यहाँ नहीं था पेट्रोल पंप, बाद में बनाया है इसको।
जगह देखिए, एकदम दूर दूर तक कोई नजर नहीं आएगा घर वगैरह। ये भाई सब पेट्रोल पंप, हमारी गाड़ी में सफिशियंट पेट्रोल है, अभी तो नहीं भराएंगे। यहाँ मतलब बीच में थोड़ा पेट्रोल पंप लगा के बहुत अच्छे काम किए लोग, नहीं तो बीच में कोई पेट्रोल पंप वगैरह आता नहीं था पहले। ये देखिए, ऐसा लगता है यही रहलू है। हमारी मंजिल अभी आने ही वाली है, ज्यादा दूर नहीं है। तो आप लोगों को बता दूं, मैं एक हाथ से चला रहा हूँ, मेरे पास कोई गोप्रो वगैरह कुछ है नहीं, मोबाइल से शूट कर रहा हूँ जो भी। तो एक हाथ से मोबाइल पकड़ना पड़ रहा है और एक हाथ से राइडिंग करना पड़ रहा है। ये देख सकते हैं, यही है बस। भाई सब नदी आ गए, ब्रिज नीचे नदी है, पता नहीं ये कौन सा नदी है, मुझे भी पता नहीं। सहरा, सहरा नदी बोल रही है। उधर छोटा सा पहाड़ है, वो टकला पहाड़। सो गाइस पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन में। ये देखिए वेलकम लिखा है उधर। तो ये जो लड़की है, इसका टीसी लेना है। यहाँ से अभी थोड़ा अंदर घुसेंगे, क्या क्या है देखेंगे। उधर सारे लेडीज वगैरह मास्क पहन के बैठे हैं, खड़े हैं। तो हमारा काम हो गया खत्म, अभी यहाँ से जाएंगे घर सीधा। इसका बस टीसी लेना था। इधर है बॉयज हॉस्टल और ये है स्कूल। तो ये 2018 में इसका एडमिशन कराए थे यहाँ 6th क्लास से। सो ये हो गया 2023। तो जब हम लोग आए थे इसका एडमिशन कराने, तो ये हॉस्टल सिर्फ था, ये वाला अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा था। सो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम दे के जो भी जिन के बच्चे पढ़ना चाहते हैं यहाँ आ सकते हैं सेलेक्ट होके। स्कूल बहुत ही अच्छा है और पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से होती है। मेरी ये और ये लड़की खुद पढ़ के गई है यहाँ से, और स्पेशल एंट्रेंस एग्जाम होता है यहाँ के लिए। ये कुचिंडा में पड़ता है, हमारा संबलपुर से करीब करीब 70-80 किलोमीटर हो जाएगा शायद। सो रहने खाने का सारा कुछ फ्री में रहता है ना, सब कुछ फ्री। साबुन अबुन जो भी तेल वगैरह वो खुद का है, नहीं तो सब कुछ। भाई साहब अभी हम लौट रहे हैं जहाँ गए थे वहाँ से। तो ये नज़ारा देख लिया तो फिर यहाँ रुक गया। उस टाइम जाते वक्त आपको वीडियो करके दिखाया था उधर का सीन, अभी रोक के दिखा रहा हूँ। देखिए पीछे खाली, आगे खाली, आगे देखेंगे दूर दूर तक एकदम खेत ही खेत नजर आएगी, और पीछे देखेंगे एकदम दूर दूर तक इधर भी खेत ही खेत नजर आएगा, उसके बाद पहाड़। नहीं सब ये जगह ना, जब फसल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है उस समय आने में ज़्यादा मज़ा आता है। उस टाइम पे एक एक प्रकार का घास होता है लंबा सा, वो सफ़ेद सफ़ेद फूल उसका छूटता है, उस समय अच्छा लगता है। ये सितंबर अक्टूबर महीने की बात कर रहा हूँ, उस समय अच्छा लगता है आना। तो धूप बहुत तेज है भाई साहब, धूप और हमारा रिश्ता एकदम लैला मजनू हो रखा है, एकदम गहरी मोहब्बत हो गई है। बारिश का तो दूर दूर से नामो निशान नहीं है आजकल। उधर बादल छाया हुआ है लेकिन इधर धूप है, देखते हैं यार कितना दिन ऐसा होता है। सो गाइस ये रोड के बीच में ये हैंडपम्प मिल गया है हमको, देखते हैं अच्छा निकलता है। सो यहाँ पे थोड़ा हाथ पांव मुंह धो लेते हैं, और अभी तो और नींद नींद लग रही है मुझे, तो थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं उसके बाद जाएंगे। हैंडपम्प सनीपा जी की मेन अस्त्र। अभी थोड़ा फ्रेश लग रहा है। कोई कोई तो जो जो शहर के हैं वो जानते भी नहीं है हैंडपम्प से कैसे पानी निकलता है। अभी फ्रेश लग रहा है भिड़ू, अभी यहाँ से आगे जाएंगे। तो भाई साहब यहाँ आकर रुके हैं हम, यहाँ गाड़ियाँ आती जाती रहती है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो मैं क्या बोल रहा था, यहाँ के हम लोग रुक गए हैं, आप लोगों को कुछ दिखाना था। ये देखिए भाई साहब,
ये मतलब जो जो ओड़िया जिनको पढ़ना आता है वो लोग पढ़ सकते हैं। हाथी चोला पोथा, मतलब कि हाथी जाने का रास्ता है ये। सो इतना बड़ा बड़ा पोस्टर लगा दिए हैं, ये देखिए। अरे यार, ब्लॉक करने ही नहीं देते लोग। उधर भी देखिए, उसके बाद ये। सो इतना बड़ा बड़ा पोस्टर लगा देते हैं, मतलब उसके बाद हाथी का इतना बड़ा फोटो लगा दिया है। देखिए, आदमी हाथी से डरे ना डरे, ये फोटो देख के जरूर डर जाएगा यहाँ। उसके ऊपर फिर बड़ा बड़ा अक्षर में उधर उधर फिर इधर फिर बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा है कि ये हाथी जाने का रास्ता, हाथी आने जाने का रास्ता है। भाई साहब, ये पढ़ के पहले डर जाएगा आदमी, हाथी भले आए ना आए यहाँ। ये मैं नाश्ता करते हुए वॉइस ओवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक मिस्त्री भाई साहब हैं जो कि संगीत प्रेमी हैं, वो गाना बजा रहे थे जोर जोर से। आप लोग जानते हैं कॉपीराइट के इशू आ जाते हैं। वो कोने में देखिए, बटन वाला मोबाइल जिसका साउंड एकदम 4-5 किलोमीटर तक जा रहा था भाई साहब। ये हम अपना पड़ियाबहल पहुँचने ही वाले हैं कि बारिश आ गई भाई साहब जोरों की, तो यहाँ रुकना पड़ा हम लोगों को। ये छत के नीचे हम लोग बारिश का इंतजार करते हुए कि कब छोड़ेगा और हम लोग आगे जाएंगे। वो देखिए, स्कूल वाले बच्चे भीग रहे हैं यार, कितनी दुख की बात है ये। इतना टाइम को एकदम, अभी 4 बज रहा है और अभी बारिश हो रही है। तो ये है मेरी दीदी और वो है मेरे जीजा जी कालिया। तो मेरी भांजी थी, हम लोग जो गए थे साथ में। तो ये मेरे साथ जो गई थी वो मेरी भांजी थी, इन्हीं की बेटी।